Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट टू में आप सबका स्वागत है। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे पार्ट टू में इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत, हमारे टॉपिक है फर्स्ट और फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन और कूलम्ब्स का लॉ क्या है। ये हमारे टॉपिक होंगे आज के। देखते हैं फर्स्ट और फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। गाइस देखते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करवाया जाए, उनके दोनों के अगेंस्ट अगर फ्रिक्शन करवाया जाए तो उसे हम कहेंगे, उससे जो चार्ज हो जाएगी एक बॉडी उसे हम कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि एक ग्लास रोड ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने ले ली एक ग्लास रोड, ये हो गई ग्लास रोड ले ली। ग्लास रोड के साथ में अगर मैं सिल्क का कपड़ा लेता हूं, उसके साथ में अगर मैं रब करवाता हूं, इसके साथ में इस रोड के साथ में अगर मैं रब करवाता हूं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर ये कौन सा ले लेगा? पॉजिटिव। और यहां पर ये कौन सा ले लेगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सिरा हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों रोड के अंदर हम चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे एक में पॉजिटिव था तो दूसरे में हमने क्या करवा दिया? नेगेटिव। तो इस तरीके का जो फ्रिक्शन से हम चार्ज क्रिएट करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम गाइस बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। गाइस अब आप देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टर देन द सेम टाइप ऑफ चार्ज स्प्रेड ऑन बोथ द कंडक्टर्स, दिस प्रोसेस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इट मींस प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को देखना है हमें कि प्रोसेस क्या होती है। जैसे मैंने क्या कर दिया, एक अनचार्ज बॉडी ले ली, इस तरीके से एक अनचार्ज बॉडी ले लेनी है। दूसरी बार में क्या करना है? एक चार्ज बॉडी ले लेनी है। क्या ले लेनी है? चार्ज बॉडी। इस तरीके से ये कौन सी हो गई? चार्ज्ड बॉडी। एक अनचार्ज बॉडी लेनी है, एक चार्ज बॉडी लेनी है, दोनों का क्या करवा देना है? कॉन्टेक्ट। क्या करवा देना है? कॉन्टेक्ट करवाएंगे इस तरीके से। दोनों का कॉन्टेक्ट करवा दिया, ये हो गया प्लस 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 प्लस, दोनों का कॉन्टेक्ट हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, अनचार्ज बॉडी है। अब इसकी प्रोसेस से होना क्या है उसकी बात करेंगे। तो ये दोनों जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएंगे, इस तरीके से दोनों कॉन्टेक्ट में, दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से दोनों के ऊपर शो होने लग जाएंगे। तो दोनों के ऊपर इस तरीके से शो होने लग जाएंगे। अब क्या करना है? चार्ज दोनों को क्या कर देना है? अलग कर देना है। तो जिस तरीके से अगर इसको अलग करेंगे इस प्रोसेस को, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी प्लस चार्ज रहेगा, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से हम अनचार्ज्ड बॉडी को भी क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जैसे दो फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, तो अगर एक सही है एक बिगड़ा हुआ है, तो उस सही वाले को भी वो क्या करता है? बिगाड़ देगा, या सही वाला उस बिगड़े हुए को भी क्या कर देगा? सही कर देगा। तो ये वही मेथड है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, उस अनचार्ज्ड बॉडी को साथ में चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाना है। कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएंगे, चार्ज दोनों के ऊपर आ जाने के बाद उन दोनों चार्ज को हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसी प्रकार नेगेटिव में भी कर सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज की बॉडी साथ में लाएंगे,
इस अनचार्ज बॉडी के साथ में, अनचार्ज बॉडी के साथ में तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, दोनों को कॉन्टेक्ट करवाना है, दोनों के सब दोनों के ऊपर क्या आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, दोनों को अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है, तो दोनों के क्या हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो मेथड है उस मेथड को ही हम क्या कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। गाइस अब पढ़िए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन अ प्रोसेस इन विच अनचार्ज बॉडी इन अ चार्ज विद अपोजिट चार्ज विदाउट एनी एक्यूट कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी इन कोल्ड इज कोल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि हमने इंडक्शन की प्रोसेस में क्या करवाया था, दो बॉडी को क्या करवाया था कॉन्टेक्ट करवाया था, लेकिन यहां पर बिना कॉन्टेक्ट के इसको क्या करना है चार्ज करना है। तो बिना कॉन्टेक्ट के हम चार्ज किस तरीके से करेंगे उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो देखिए उस प्रोसेस को कि यहां पर एक अनचार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे एक पॉजिटिव प्लेट को साथ में ले आएंगे। पॉजिटिव प्लेट को इसके कॉन्टेक्ट में आया तो कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि नेगेटिव है और पॉजिटिव, उन दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव और इन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन, उसके कारण उधर क्या हो जाएगा रिपल्शन के कारण, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने के कारण ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो अब क्या करेंगे ये जो बॉडी है यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर हम क्या करेंगे इसको अर्थ से क्या करवा देंगे कनेक्ट करवा देंगे, क्या करवा देंगे अर्थ से कनेक्ट करवा देंगे। उसके बाद की प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। जैसे ही अर्थ से कॉन्टेक्ट में लाए तो यहां पर जो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ गेन करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और यहां पर ये पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ये न्यूट्रल, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो अब दूसरी प्रोसेस में क्या हो गया यहां पर तो नेगेटिव, यहां पर ये प्लेट और यहां पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो अब हमने यहां से अर्थ का कनेक्ट क्या करवा दिया हटा दिया। दूसरी प्रोसेस में क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस में आप क्या करेंगे अब इस प्लेट को क्या करवा देंगे हटा देंगे, हटाते ही हमारे पास इस पूरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी में चार्ज को क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं देखें, अगर यहां पर ये बॉडी अनचार्ज बॉडी ली है, अगर यहां पर मैंने ये प्लेट नेगेटिव ली होती तो यहां पर क्या आ जाता पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाता नेगेटिव आ जाता। तो अब यहां पर क्या लिया हमने पॉजिटिव प्लेट ले रखी है तो यहां पर तो अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव और रिपल्शन के कारण पॉजिटिव आ गया। उसके बाद में यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, दो पार्ट हो गए, यहां पर पॉजिटिव हो गया और यहां पर नेगेटिव पार्ट हो गया। हमने पॉजिटिव पार्ट को क्या करवा दिया अर्थ से कनेक्ट करवा दिया, अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करवा दिया तो यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए तो ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद में हमने क्या किया अभी भी इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, चार्ज वैसा के वैसा ही पड़ा रहेगा और यहां पर प्लेट को अब हम क्या करेंगे हटा देंगे। जैसे ही हम प्लेट को हटा देंगे तो ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है गाइस, ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका एक टाइप और है उस टाइप को भी हम देखते हैं। गाइस हम देखेंगे अब इसकी दूसरी प्रोसेस किस तरीके से है। हम अब दो अनचार्ज बॉडी लेंगे, ये दो अनचार्ज बॉडी दोनों कॉन्टेक्ट में है, इस तरीके से दोनों कॉन्टेक्ट में ले रखी हमने अनचार्ज बॉडी को। अब क्या करेंगे यहां पर हम पॉजिटिव प्लेट को लाएंगे, पॉजिटिव प्लेट को लाते ही इस बॉडी पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस बॉडी में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब क्या करना है इस प्रोसेस को दोहराते हैं वापस, इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव 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 और यहां पर ये हो जाएगा पॉजिटिव 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 प्लेट हो जाएगी और यहां पर ये हो जाएगा अलग पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में यहां पर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस बॉडी में आ जाएंगे और इस बॉडी में क्या आ जाएंगे पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो हमारे पास प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम बात करेंगे कूलाम्स के लो की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर
हमने चार्जिंग बाय सॉरी कंजर्वेशन लो जो लिखा था चार्ज का, उसकी जो प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन लो वाली जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी को। उस प्रॉपर्टी में चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज इज ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनादर बॉडी। तो गाइस अब हम बात करेंगे कुलाम्स के लो की, कुलाम सर ने क्या कहा था उसके बारे में, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया था, क्या लो दिया था उसकी बात करते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज सेपरेटेड एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हुआ यू कि दो चार्ज Q1 और Q2, इन दोनों चार्जों को फ्री स्पेस में रखा गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं r डिस्टेंस पर रखा गया। तो कुलाम सर ने यह कहा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होने वाला है, वो कौन होगा, कैसा होगा, किस तरीके से होगा। तो वो फोर्स होगा वो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बार में इन्होंने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल ही यहां पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर लिख देंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बात करेंगे के क्या है, तो के है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कांस्टेंट। और ध्यान रखें के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। तो अब ध्यान रखें कि ये तो था के इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कांस्टेंट की वैल्यू। अब बात किसकी करेंगे कि फोर को तो हम जानते हैं सर, पाई को भी हम जानते हैं 22/7 और 3.14 ये इसकी वैल्यू होती है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ये नई नई कोई चीज आई है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12 कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये था कूलाम का लो। तो ये कूलाम का लो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये सीधा एक नंबर में पूछता है, इसकी वैल्यूज न्यूमेरिकल में काम आती है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और आगे हम वीडियो में देखेंगे। कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है तो हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, यहाँ पर है फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि यहां पर है न्यूटन और न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन इज इक्वल टू, साइड में लिख देता हूं मैं यहां पर, न्यूटन इज इक्वल टू होता है किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास न्यूटन। और कूलाम को क्या लिख सकते हैं, कूलाम को हम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यहां पर यूनिट की, तो यहां पर न्यूटन की जगह हम लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर, कूलाम के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एम्पियर
इंटू सेकेंड, और कूलाम के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर के ऊपर पावर दो, यहां पर ऊपर पावर वन, बेस सेम, पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, तो मीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर इंटू एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां पर सेकेंड का स्क्वायर वापस कितने हो जाएंगे, सेकेंड की पावर फोर हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड की पावर फोर और इंटू एम्पियर का स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से होता है, एम एल टी और ए। जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि m को हम किलोग्राम में लिखते हैं, तो यहां पर किलोग्राम की संख्या कितनी, किलोग्राम के ऊपर पावर कितनी है, वन, तो यहां पर हो जाएगा वन। l, l कितना है लेंथ, लेंथ के ऊपर पावर कितनी है, थ्री, तो थ्री हो जाएगी। सेकेंड के ऊपर पावर कितनी है, सेकेंड अपॉन में है, ऊपर जाएगी पावर, तो क्या हो जाएगी, माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा, फोर, और एम्पियर की पावर कितनी है, टू, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की टू। तो इस तरीके का इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, के का, इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो दूसरी बात हम करते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की, तो देखते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके का होता है। अब हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कहते हैं। कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर अपॉन में, न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सॉल्व आउट करेंगे इसको हम, किसा आ जाएगा, एम्पियर, ये ऊपर चला जाएगा, तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, फोर अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर की पावर थ्री। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में जरा सी दिक्कत नहीं आएगी, देखते हैं किलोग्राम के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, माइनस वन क्योंकि नीचे है, ऊपर भी जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, मीटर की पावर देखते हैं, मीटर की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री, ऊपर जाते ही एम्पियर है, तो एम्पियर के ऊपर पावर टू और सेकेंड के ऊपर पावर कितनी है, फोर। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं, एम एल टी और ए। तो एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू माइनस वन, एल की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, टी की वैल्यू कितनी है, टू, ए की वैल्यू कितनी है, फोर। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सके। तो इस तरीके से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला पे हमें एक नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट हमें हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट जो के की वैल्यू जो होती है, उस के की वैल्यू को सीजीएस में इसकी यूनिट पूछ लेता है, तो उसकी यूनिट हम सीजीएस में भी देख लें। तो पहले तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, हमने क्या लिखी थी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या लिखना है, यहां पर न्यूटन को कहते हैं सीजीएस में डाइन, तो डाइन लिखना है, इंटू मीटर स्क्वायर को सीजीएस में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अपॉन कूलाम को क्या लिखते हैं, स्टेट कूलाम, तो यहां पर लिखना है स्टेट कूलाम का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो गया, सीजीएस, ये हो गया एमकेएस में, ये हो गया सीजीएस। तो इस तरीके के हमें कभी भी ये यूनिट पूछ भी लेता है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना जैसी महामारी है, मुंह पर मास्क लगाए, समय समय पर हाथ धोते रहें, और ख्याति क्लासेस का वीडियो भी देखते रहें, और यहीं पर पढ़ाई, इस साल की पढ़ाई हमें इसी यूट्यूब चैनल से कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर कभी भी हम कॉलेज में जाएं, आगे की तरफ प्रोसेस है, तो हमें ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप इसे निरंतर पढ़ते रहिए, अगर और इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड भी करिए, ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सके और इसका लाभ उठा सके। तो ये बिल्कुल ही निशुल्क आपके लिए ख्याति क्लासेस लेकर आई है, आप इसे सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें और शेयर करवाएं, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच।